हेलो नमस्कार दोस्तों। दोस्तों मैंने देखा है कई बार बहुत सारे अपने भाई हैं वो घर से बाहर जाते हैं जॉब के लिए पढ़ने के लिए, तो उनको बहुत समस्या आती है खाने की। बाहर होटल का खाते हैं तो रेगुलर नहीं खाया जाता, तो कभी कभार वो सोचते हैं कि हम घर पे ही बनाना शुरू कर दें। तो मैं उनके लिए लेके आया हूँ बहुत ही एक स्पेशल चीज जो हम यूज करते हैं, आटा कैसे लगाते हैं। तो सबसे पहले उनको सीखना ही पड़ेगा कि आटा कैसे लगाते हैं। तो मैं बताता हूँ दोस्तों, हम दो बंदों का आटा लगाने जा रहा हूँ मैं अभी। तो अभी थोड़ा सा मैंने पानी डाल दिया है इसमें, लेकिन अभी मैं आपको पूरी विधि बता दूंगा। मैंने क्या करा है, लगभग लगभग 250 ग्राम आटा लिया है, और 250 ग्राम आटा लेके मैंने देखो ये मेरा परात है इसमें डाला है, और अब मैं इसमें पानी डालूंगा। पानी आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना कितना डालना है, क्योंकि आटे में पानी आटे की क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। अब मैंने लिया और इसको मैश कर लिया, मैश कर लूंगा मैं। अब मैं इसको धीरे धीरे मैश कर लूंगा, ऐसे मैश करना है आपको। ज्यादा आपको टाइट भी नहीं रखना है आटा, और ज्यादा लूज भी नहीं करना है, मीडियम टाइप का। अभी देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ऐसे मैश कर रहा हूँ मैं, ज्यादा टाइट भी नहीं और ज्यादा लूज भी नहीं करना है। ये देखिए मैं आपके सामने अभी लगा के दिखा देता हूँ, आटा चिपकेगा आपके हाथ को। ये क्या है कि मेरा थोड़ा सा परात छोटा है, तो थोड़ा सा तकलीफ हो रहा है आपके पास। मेरे को उम्मीद है बड़ी परात होगी इससे। अब देखिए मेरा ये देखिए, आप देखेंगे तो उंगली इसमें जा रहा है, तो एकदम लूज भी नहीं है, ये अभी ठीक कंडीशन में है। तो अभी मैं थोड़ा पानी का और यूज करूंगा इसमें, ताकि मेरे हाथ के जो चिपका है वो भी उतर जाए और ये वाला भी इसमें साथ में मैश हो जाए। ये देखिए दोस्तों, लगभग लगभग मैंने एक स्टेप पूरा कर लिया है, जो सूखा आटा था उसको गीला कर लिया है और एक साथ मेस कर लिया है। अब जो आगे मैं प्रोसेस करूंगा इसमें, एकदम जो सूखा आटा है थोड़ा सा पानी और डालूंगा। अब जो ये सूखा आटा है सारा मैं एक साथ मेस हो जाएगा ये। ये मैं आपको दिखा देता हूं अभी, ये देखिए मेरी परात में अभी कुछ भी नहीं है, ये आटा मैश हो गया। अब मैं इसको दोनों हाथों से फोर्स लगा के, जोर लगा के, एकदम बढ़िया वाली क्वालिटी में तैयार करूंगा। ऐसे ही आपको लगभग लगभग 4 से 5 मिनट तक पूरा जोर लगा के आटा मैश करना है, और पानी की क्वांटिटी आप देखते रहना। अगर आपको चाहिए हो तो इस टाइम आप थोड़ा ही पानी डालेंगे, मैंने देखो बिल्कुल थोड़ा सा डाला है, और अब मैं इसको वापस मेस कर दूंगा। ये देखिए दोस्तों, मुश्किल से 4 से 5 मिनट के बाद मैंने आटा लगाया है, आप इसको देख सकते हैं, ना तो ये टाइट है ना लूज है। ये देखिए जब हम इसकी चपाती बनाएंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है बहुत ही शानदार बनेगी। अगर आपका थोड़ा भी लूज हो जाए तो आप उसमें सूखा आटा जरूर मिला लें, और आपका थोड़ा टाइट हो जाए तो आपको मेस का आपका टाइम बढ़ जाएगा, आपको 5 से 6 मिनट और मेस करना पड़ेगा। थोड़ा थोड़ा पानी लेके आपका आटा इस कंडीशन में आ जाएगा, बिल्कुल नॉर्मल आटा है, एकदम सॉफ्ट आटा है, और इसकी जब हम चपाती बनाएंगे तो बहुत ही शानदार बनेगी। आज तो हमें खा के बहुत मजा आने वाला है। तो दर्शकों ऐसे ही बने रहिए साथ में, अगली बार हम कुछ और नया लेके आएंगे आपके लिए। तब तक धन्यवाद।